और फिर गलती क्या करती, प्रोग्राम बनाने से पहले आपने परमिशन नहीं ली, अपने आप से प्रोग्राम बना लिया। किसी एक बच्चे के दिमाग में आया सर की आज छुट्टी हो रही है, आज स्कूल के बाद कहीं बाहर चलते हैं, कुछ खा के आएंगे, फिर खाने जाएंगे। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी छोटी छोटी इच्छाएं होती हैं। आपका नहीं मन करता क्या दोस्तों के साथ कहीं बाहर जाने का? करता है ना। आपका करने लगा 16 की उम्र में, उतना करने लगा 8 की उम्र में, 6 की उम्र में, बस यही फर्क है। फर्क तो उतना ही उसके बाद बच्चा ने आप उसको विश्वास था कि मुझे घर में परमिशन नहीं मिलेगी, इसलिए उसने आपसे पहले पूछा। अगर उसका ये विश्वास होता कि मुझे परमिशन मनाने पे मेरे मम्मी पापा मान जाएंगे, तो क्या वो बिना बताए जाता? गर्दन तो हिला दीजिए, नहीं जाता ना। आपकी भी घर जाती कि परमिशन लेके चला गया, पर वो परमिशन मांगता। इतने बड़े नहीं होंगे हो तुम, दोस्तों के साथ आइसक्रीम खाने चले जाओ, इतने बड़े नहीं होंगे हो कि तुम छोड़े हो भी, बच्चे हो, बच्चे बनके रहो। अभी से ये तो बकालियां शुरू कर दी तुमने, तो नहीं मिलेगी। चल भैया चलता तो हूं, कोशिश करूंगा छुपा लूंगा आपको, चलता तो हूं क्योंकि दोस्तों ने प्रोग्राम बनाया है, चलता तो हूं, कोशिश करूंगा छुपा जाऊं ताकि पता ना चले। पर आइसक्रीम दिखाई दे, एक बार खाई बता के आई, छुपाई गई बात, छुप गई बात, अगली बारी के लिए हौसला बढ़ गया, हौसला बढ़ गया। अब 100 रुपए लेंगे पिक्चर देखने चलेंगे, 500 लेंगे पिक्चर देखने चलेंगे, पापा नहीं मानेंगे तो मम्मी से ले लेंगे, है ना। पापा नहीं मानेंगे तो मम्मी से ले लेंगे, मम्मी को कुछ काम कर देंगे, मम्मी का छोटा मोटा, मम्मी के लिए आएगा राजा बेटा, देखा 500 दे दूंगी, चल तुझे पापा को मत बताई। वो साथ में मम्मी ऐसे भी बोल देगी पापा को मत बताई, वो दोनों को डांट पड़ जाएगी। पापा दे देंगे 500, मम्मी मम्मी दे देगी 500 करोड़, हम तो पिक्चर देखने चले जाएंगे। अब पता लग गया पापा के किसी ऑफिस के ने देख लिया पिक्चर देखते हुए, अब पता लगा ये कहानी आइसक्रीम से शुरू होके पिक्चर तक आ गई है, तब पता लगा पापा को। अब पापा क्या करेंगे, अब पापा क्या करेंगे? कोई तो नॉर्मल पापा होंगे, या बताना मुझे क्या करेंगे नॉर्मल वाले पापा। वो सर जो थे वो एबनॉर्मल पापा थे, वो टाइम बिताते थे, खेलते हैं बच्चों के साथ, भाई वो एबनॉर्मल वाले पापा है। कोई नॉर्मल वाले पापा बताइए क्या करेंगे? मैं आप मम्मी हो चुप मैं नॉर्मल वाले पापा से बात करूं, सीधे घर आएंगे और पापा गुस्सा सातवें आसमान पे होगा, इस साल मम्मी और बच्चे सब छुपा के बैठे, मैं सारा दिन कुत्ते की तरह नौकरी कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, सारा हमसे चोरी कर रहे, ऐसा करते हैं बताओ, है ना। ये बिल्कुल नॉर्मल पापा है, जोरदार ताली है नॉर्मल वाले पापा के लिए। देखिए हमने सबने वही गलतियां की हैं, पर अपनी गलती को सबके सामने एक्नॉलेज कर लेना बहुत ब्रेवरी का काम है। तो हम सब यहाँ ब्रेव होने आए हैं क्योंकि गलतियां ये वाली हमने सबने सबने की हैं, सबने। तो हम जब जाते हैं तभी अच्छा ना वो सिचुएशन है। तो अगर यही बच्चे ने प्रोग्राम बनाया पिक्चर का, पर ये आपके हिसाब से क्लास 4-5 में मिलके पिक्चर जाना समय खराब है, बच्चों के साथ कुछ भी गलत हो सकता है, ये बात आपको जमने जमने, है ना। आप नहीं चाहते कि आपका बच्चा ऐसे करके प्रोग्राम बना के जाए, नहीं चाहते। घरों की अलग अलग सिचुएशन होती हैं, मैं बढ़ावा देने की बात बिल्कुल नहीं कर रही कि आप ऐसी बातों को बढ़ावा दीजिए, मैं सिर्फ इतनी सी बात कह रही हूँ कि जब बच्चे का ये मन करा, आपने उसने आपके आकर आपको आके ये पूछा, मम्मी को आके ये पूछा, आपके घर में डिसीजन मेकर कौन है? पापा है। आपको चाहिए था उसको ये बोले बेटा मैं पापा से डिस्कस करके तेरे को बताऊंगा,
कहेगी मुझे नहीं पता भैया पापा को पूछ ले, तो व्हाट इज द मदर ट्राइंग टू कन्वे, मेरी कुछ नहीं करती, मेरी घर में कुछ नहीं करती। और जिन घरों में मदर की ये वाली रेपुटेशन हो कि बच्चे को भी ये बताओ कि मेरी माँ की कोई औकात नहीं, वो मेरे पापा के सामने एक वर्ड भी नहीं बोल सकती, घर में होएगा वही जो पापा चाहते हैं, वो बच्चा कभी भी अपनी माँ की इज्जत नहीं। मेरे को लगता है इवेंट को भी एक बात एक ताली बजा दें। ये वाली सिचुएशन भी हुई है।
देख नहीं सकती कितना आया कितना नहीं, वो अगर एक बच्चे को खड़ा करके पूछ लिया तो बाकी के बच्चे क्या कर रहे हैं क्लास में वो देख नहीं सकती, उसके लिए भी कितनी प्रॉब्लम है। तो कुछ पेरेंट्स ने टोटली टीचर्स पे छोड़ दिया। एज अ पेरेंट हमारा रोल क्या है स्कूल लाइफ में, ये एंश्योर करना कि जो टीचर करा रही है, जो टीचर एक्सपेक्ट करती है हमसे एज अ पेरेंट, कि हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि जो काम मिला है वो बच्चे ने कर लिया, वो टाइम के अकॉर्डिंगली टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली वो जा रहा है। अगर उसको होमवर्क सबमिशन करना है तो वो होमवर्क करके जा रहा है, उसने क्या किया है होमवर्क में ये देखना आपका काम नहीं है, ये टीचर का काम है। बट उसने कर लिया या नहीं कर लिया ये तो देखना आपका काम। तो जब तक पेरेंट और टीचर एक यूनिट बन के बच्चों की टेक केयर नहीं करेंगे तब तक उसका फायदा बच्चे उठाएंगे और बच्चे टीचर के कंट्रोल से बाहर आ जाएंगे। और जैसे और घरों में उसको ये एनवायरनमेंट मिली है कि मम्मी की तो कोई औकात ही नहीं, थोड़े दिन के बाद वो यही समझेगा टीचर की भी कोई औकात नहीं, तो फिर वो डायरेक्शन लेस लाइफ जिएगा। उसकी लाइफ को कोई भी डायरेक्शन देने के लिए कौन है? पापा सुबह से लेके रात तक काम कर रहे हैं, मम्मी उसको तो वो वैसे कुछ नहीं गिनता, लड़कियां तो फिर अपनी माँ की क्लोज होती है, बेटे उनके तो उन्होंने तो घरों में सिस्टम ही ये देखा है जो है खुदा है हम है, फीमेल की कुछ वो नहीं है वो। अब आप सोचो आपका बच्चा घर में आप है नहीं उस पर अपना निगरानी रखने के लिए, मदर की वो काबू में नहीं आएगा क्योंकि तो मदर की तो चली नहीं कभी, उसको मालूम है इसकी कोई औकात नहीं है, खाना बना दे खाना खिला दे बस, नहला दे कपड़े पहना दे बस, बाजार जाए थोड़ी थोड़ी चीज दिला के ले आए बस, बाकी इसकी कोई औकात नहीं। विद द रिजल्ट चाइल्ड इज डायरेक्शन। तो हमारी की हुई हर हर बात का बच्चे पे इम्पैक्ट है, वो कोई मेरी पीपीटी तो चलती नहीं बेचारी,